बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध खलनायक मुकेश को हिमाचल की खूबसूरती आखिरकार यहाँ खींच लाई है। यहाँ के मनमोहक दृश्यों से वे इतने प्रभावित हुए हैं कि वे अपने बेटे की आने वाली फिल्म निडर की शूटिंग सोलन के चायल और इसके आसपास के क्षेत्र में करना चाहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने यहाँ के कई स्थलों का दौरा भी किया। मुकेश के साथ फिल्म के डायरेक्टर, राइटर और एक्शन मास्टर भी साथ थे। मुकेश ने बताया कि उनका हिमाचल से बहुत पुराना नाता है, क्योंकि उनकी शिक्षा चंडीगढ़ में हुई थी, इसलिए वे अक्सर हिमाचल आया करते थे। तब से उनके दिल में तमन्ना थी कि वे अपनी फिल्म की शूटिंग हिमाचल में करेंगे। ये तमन्ना जल्द ही उनकी पूरी भी होने वाली है, क्योंकि उनके सभी साथियों को हिमाचल का सौंदर्य भा गया है। उन्होंने बताया कि वे अपने बेटे के साथ पंजाबी फिल्म निडर करने जा रहे हैं, जिसको लेकर वे आज सोलन और चायल के क्षेत्र में पहुंचे हैं और यहाँ के मनोरम दृश्यों को देखकर ये तय कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ टीम ने शूटिंग करनी है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट की वजह से सारी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार बेहद परेशान चल रहे थे, लेकिन आज ही पता चला है कि केंद्र सरकार ने सिनेमा खोलने की अनुमति प्रदान की है और इस खबर से सभी बेहद खुश भी हैं। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है निडर, पंजाबी में है वो। मैं अपने बेटे को लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसकी लोकेशन देखने के लिए हम आए हैं। तो चहल में हमको काफ़ी सारी लोकेशंस दिखी हैं, जिसकी हम स्टडी पिछले एक महीने से कर रहे थे। तो आज सब देखने आए, ये हमारे पप्पू मास्टर जी हैं, डांस मास्टर जी बहुत सीनियर हैं, और ये हमारे एक्शन मास्टर हैं। ये हम सब देखते हैं, पहले ऐसा ही होता है, जो भी जहाँ शूटिंग होती है वहाँ जा सब जाके जगह देखते हैं कैसा है क्या है। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जगह जो है, हम लोग यहाँ करेंगे। तो अभी ये मौका मिला था कि हम कम से कम जगह जाके देख के आए। बाकी कैरियर चल रहा है सब, तो सबके लिए पूरी दुनिया में सबकी ज़िंदगी ठप हो पड़ी थी पिछले 6 महीने से, तो वापस शुरुआत हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता सबकी शूटिंगें भी शुरू हो रही हैं, लेकिन अभी भी पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई है। अभी थिएटर भी ओपन अप हो जाएंगे इस महीने, ये भी एक खुशखबरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जोरों से बॉलीवुड फिर से फिल्में बनानी शुरू करेगा।